नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये शागरुल्या फिर एक बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। कम से कम खर्चे में खेती कैसे की जा सकती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बगीचे का बेदाने के लिए जो माल हम निकालते हैं, वो निकालने के बाद रैकर डालते हैं। रैकर डालने के बाद जो मनी की जाली होती है, उसके ऊपर जो मनी पड़ते हैं, वो मनी कैसा पड़ना नहीं चाहिए। माल काटने के बाद इंडियन मार्केट में या लोकल मार्केट में जो माल जाता है, उसके भी मनी निकलते हैं, वो मनी नहीं निकलने चाहिए। तो कैसे निकलनी नहीं चाहिए, इसके लिए क्या स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करें। इसलिए मैं फिर एक बार आपसे विनती करूँ कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, अगर हमारा संवाद आपसे अच्छा लगा तो। आज हम बात करें लास्ट में प्लानोपिक्स का यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में। प्लानोपिक्स हम यूज करते हैं फ्लावरी में 100 लीटर पानी को 7 ml। अभी हमें माल काटने के पहले 8 या 10 दिन तक प्लानोपिक्स यूज करना है 100 लीटर पानी को 100 ml। ध्यान से सुनिए, हम प्लानोपिक्स का यूज करते हैं 100 लीटर पानी को 7 ml फ्लावरिंग में, और हम उसी प्लानोपिक्स का यूज करते हैं माल काटने समय 100 लीटर पानी को 100 ml। इससे आपका माल काटने पश्चात की जो आफ्टर हार्वेस्टिंग की जो मनी गड़ है, वो आपकी 90% तक कम आ जाएगी। प्लानोपिक्स का यूज बराबर करना चाहिए क्योंकि वो PGR है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो संजीवक है, उसका यूज हम बराबर करना चाहिए। इसका रेसिड्यू रहता है, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज को ये स्प्रे देना नहीं है। ध्यान में आया, देना है तो उसका प्रमाण अलग है, उसका प्री हार्वेस्ट पीरियड यानी कि PHI भी अलग है, इसकी MRL लेवल भी अलग है, इसलिए वो ध्यान देके उसका स्प्रे करना चाहिए। इसके बारे में माल काटने पश्चात जो मनी गड़ होती है, इसमें वाटर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रोल करती है। यानी कि माल काटने के दिन भी हमें 1 या 2 लीटर पानी वेल को देना है, उसको सुखाना नहीं है। वेल अगर काम अपेक्षा यानी कि जरूरत से ज्यादा सूख जाएगी तो भी मनी ड्रॉपिंग होता है। तो वाटर मैनेजमेंट और प्लानोपिक्स, ये दो अगर हमने ध्यान से यूज किया तो हमारा मनी ड्रॉपिंग नहीं होगा। मनी ड्रॉपिंग नहीं होगा तो आपका बंच जो है पूरा रैक पर रह जाएंगे और मनी छूटने के नहीं। अगर मनी ज्यादा छूट जाएगा तो उसका रेट भी आपको नहीं मिलता, ये भी आपको मालूम है। किसान भाइयों, मैंने आपके एक छोटी ट्रिक आपको बता दिया है, वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और फिर एक बार विनती करता हूँ कि चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।